गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर कह सकते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में और हमारे बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स और फॉर्मेशन में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज़ बताता है। सो डियर स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम जनरली क्या चीज़ है, बायो मॉलिक्यूल्स। अब जरा समझिए बायो मॉलिक्यूल्स है क्या। मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी में बना करके लिखा है। एनसीईआरटी में जो भी मैं पॉइंट्स लिखूंगा आपको ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से ग्रो हो, डेवलप हो, आपके लिए जितना ज़्यादा हो उतना सही रहेगा डियर स्टूडेंट्स। गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं अब अपन बायो मॉलिक्यूल्स। जरा समझो कि बायोमॉलिक्यूल्स है क्या। कभी सोचो कि बायोमॉलिक्यूल्स हम कहते किसे हैं, क्या है ये। तो जो भी मॉलिक्यूल लाइफ में एनरोल होते हैं उसे बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, और मॉलिक्यूल्स का मतलब आप जानते हो कि ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपस में क्या होते हैं, मिक्स करते हैं। दैट इज केमिकल सब्सटेंस जो इन्वॉल्व होते हैं या फिर केमिकल सब्सटेंस के पार्ट्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं लाइफ फॉर्मेशन में, उस चीज को बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स में जरा समझेंगे कि यहां पर जैसे हमें पता है कि वाइड डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोस्फीयर पे, जबकि एक क्वेश्चन मिलता है कि आज के डेट में आर ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स, क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म है क्या सब सेम केमिकल्स में प्रेजेंट है, जैसे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड, क्या ये सचमुच में है, या फिर जैसे कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री हाउ टू एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म, मतलब कि केमिस्ट्री में कि किसी भी चीज में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं वो सब चीजें प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में। जैसे इफ वी परफॉर्म अ सच एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज और माइक्रोबियल पेस्ट, मतलब कि अगर अपन एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे या फिर तो प्लांट के टिश्यू पे या फिर एनिमल टिश्यूज पे या फिर माइक्रोबियल पेस्ट पे, तब हमें बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे और वो जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो मेन एलिमेंट होंगे। जैसे कौन कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर एलिमेंट्स जो कि उसके कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यूज पे प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? जैसे इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन द पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट। जैसे नॉन लिविंग मैटर पर जैसे क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट। जैसे दो लिस्ट में पहला एब्सोल्यूट टर्म में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, कुड बी मेड आउट, नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, और ऑल द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यूज, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यूज में पाया जाता। जैसे जरा क्लोजर एग्जामिनेशंस देखा जाए तो रिवेल करता है क्या चीज, कि रिलेटिव अबंडेंस किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। यानी जैसे कि जो अदर एलिमेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा हायर होता है अर्थ क्रस्ट के रेस्पेक्ट में। अब जरा देखा जाए क्या अब ऐसा क्या है भाई जो अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा है। अब एक काम करते हैं, हम बेसिक स्टेप समझते हैं कि अर्थ क्रस्ट पे कितना एलिमेंट है ये हमें पता है। कारण एज द मेथड ऑफ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है लेयर डिस्ट्रीब्यूशंस, लेयर डिस्ट्रीब्यूशंस के बिहाफ पर हम क्या करेंगे उसे अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेंगे। तो लेकिन
जब जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में केमिकल के कंपोजिशन और कंस्टिट्यूएंट्स की स्टडी करनी हो तो देन कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या होगा। तो अब जरा देखा जाए हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालाइज होगा, जैसे अब वी कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड्स पाए जाते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब कहोगे कि सर इसका कैसे बात पता चलेगा सर कि कितने प्रेजेंट होते हैं कितने प्रेजेंट नहीं होते हैं। डियर स्टूडेंट्स डोंट टेक टेंशन, बस समझते जाइए। जैसे देखो सबसे फर्स्ट क्या है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमें फाइंड आउट करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म द केमिकल एनालिसिस, वी कैन टेक अ लिविंग टिश्यूज। नाउ क्या है कि अब हम लोग एक लिविंग टिश्यूज लेते हैं और ये लिविंग टिश्यूज किसका होगा, आइदर एक वेजिटेबल होगा या पीस ऑफ लीवर होगा। मतलब कि अभी जो हम लोग स्टेप्स दे रहे हैं, स्टेप्स किस चीज का है, स्टेप्स टू एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ केमिकल्स। है ना, अब जरा देखो स्टेप फर्स्ट क्या है कि पहला लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू में वेजिटेबल या फिर पीस ऑफ लीवर ले लेंगे। ठीक है, अब इस चीज को ग्राइंड कर देंगे, क्या कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, पेस्ट बना देंगे, किसमें, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में, जिसे अपन ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में। नाउ अब पेस्टल रेडी हो गया, अब क्या होगा, थिक स्लरी ऑप्टेन हो गया, गाढ़ा पेस्ट के जैसा। अब क्या करेंगे फोर्थ में, स्टेन कर लेंगे। ठीक है, थ्रू चीज क्लॉथ्स, आई बात समझ में, या फिर कॉटन में, है ना। अब जरा देख लेना, स्टेन करने के बाद देखो एक टर्म आ जाएगा, अभी से फिल्टर कर लेंगे, है ना। नाउ फिल्टर इट, तब क्या होगा, फिल्टरेट ऑब्टेन हो जाएगा। समझो जब फिल्टरेट ऑब्टेन हो जाएगा तो एसिड सॉल्यूबल पूल बेसिकली प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब अब इसमें सिक्स्थ स्टेप में फिल्टरेट में दो चीज मिलेगा, पहला एसिड सॉल्यूबल जिसे फिल्टरेट कहते हैं, है ना, और सेकंड जो होगा इनसॉल्यूबल उसे क्या कहेंगे, रिटेन टेट कहेंगे। आई बात समझ में, जिसमें कि थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस एसिड सॉल्यूबल पूल में प्रेजेंट होता है। अब जरा समझो, जैसे ये एसिड सॉल्यूबल पूल हो गया, तो अब देखो कि अब इस सैंपल को एनालाइज करेंगे। जैसे देखो अब एनालाइज किसमें किए, लिविंग टिश्यूज में, सैंपल को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन हो गया, लेकिन जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन हुए, एग्जांपल दैट इज इट विल
suffice to say here, the one extract of a compound, then a subject, the extract to the various separation technique till one has a separation, separated a compound from all the other compounds. मतलब जैसे कि क्या है कि जितने भी compounds हैं ये separate कर रहे हैं, हाँ, तो सेपरेट करने के बाद जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे हैं ये आइसोलेट और प्यूरीफाई कर रहे हैं कंपाउंड को. जैसे एनालिटिकल टेक्निक्स में ये कहा जाता है कि कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या दे रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबली द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, जिसमें कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स. और जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे हैं उसी चीज को अपन क्या कह रहे हैं? बायो मॉलिक्यूल्स. जरा समझो कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रेजेंट होता है इसमें, है ना? तो अब हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे पता करेंगे? तो अब जरा समझो कि अभी जो हम लोगों ने ये किया तो इसमें से फ्लो चार्ट हमें ये मिला कि कितना परसेंट कम, कितना परसेंट टिश्यूज और कितना परसेंट क्या प्रेजेंट है हमारे बॉडी पार्ट्स में और अर्थ के क्रस्ट में. जैसे परसेंटेज वेट, हाइड्रोजन का परसेंटेज वेट 0.14 है, ह्यूमन बॉडी का 0.5 है, कार्बन का 0.03 है, ह्यूमन बॉडी का 18.5 है, ऑक्सीजन का 46.6 है और ह्यूमन बॉडी का 65.0 है, नाइट्रोजन काफ़ी कम है ह्यूमन बॉडी में, 3.3% है, सल्फर अर्थ क्रस्ट में 0.03 है ह्यूमन बॉडी में, 0.3 है, सोडियम 2.8 है ह्यूमन बॉडी में, 0.2 है, कैल्शियम अर्थ क्रस्ट पे 3.6 है ह्यूमन बॉडी में, 0.15 है, मैग्नीशियम 2.1 है ह्यूमन बॉडी में, 0.1 है, सिलिकॉन में अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है, दैट इज 27.7, ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है. ये जो भी चीज़ है अडेप्ट किया गया है CNRAO से, और ये अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ हैदराबाद का क्या चीज़ है, दिया गया एक्सपेरिमेंट्स है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जरा एक और बात समझो, जैसे कि इसमें अब जो हम लोगों ने सारा कुछ देखा तो स्लाइटली डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उसमें क्या होगा. डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला क्या करेंगे, स्मॉल वेट ऑफ लिविंग टिश्यूज ले लेंगे, है ना, जो क्या चीज है, लीफ है, लीवर है, जिसे वेट वीट कहते हैं और क्या कहते हैं, ड्राइड कहते हैं, जिसमें कि सारा वाटर इवोपरेट होता है और रिमेनिंग मटेरियल जो रह जाता है वो ड्राई वेट का रहता है, जिसमें कि टिश्यूज फुली बर्न्ड हो जाता है, जैसे कि ऑल कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू द गैसियस फॉर्म CO2 और वाटर वेपर, जो कि रिमूव हो जाता है. आई बात समझ में? और जो चीज रह जाते हैं पूरे जल जाने के बाद उसे अपन एस कहते हैं. ऐश्वर्या राय नहीं, एस का मतलब होता है कि जो रिटेंटेट रह जाती है, किसके अंदर, जलने के बाद रह जाती है. नाउ समझो, ये जो एस है कंटेन करता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम इटीसी. अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हुए वो कैसे होंगे, सल्फेट के फॉर्म पे होंगे, फॉस्फेट के फॉर्म पे होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में ऑब्जर्व होता है. जैसे एलिमेंटल एनालिसिस देता है एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज, वो फॉर्म क्या करता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन ईटीसी. और जब एनालाइज किया जाता है कंपाउंड का तब एक आइडिया काइंड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का मिलता है जो कि लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट होता है. वो भी कहाँ से, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, जिसे अपन क्या कह सकते हैं,
फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी सेल क्लासिफाई इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड ईटीसी, जिसमें डियर स्टूडेंट्स अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन करता है अमीनो ग्रुप को, जैसे कि एसिडिक ग्रुप जिसमें कि हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन और अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, इसके बारे में जब हम लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे तब देखेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप समझेंगे ये बात कि अब इसके पास फोर सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप प्रेजेंट होता है वैलेंसी के पोजीशन पे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप और वेरिएबल ग्रुप जिसे अपन आर ग्रुप कहते हैं। आर ग्रुप मतलब क्या रहा, एमिनो एसिड्स का रहा, जिसमें दोज विच अकर इन अ प्रोटीन आर ओनली 20 टाइप्स। कितने टाइप्स के, तो 20 टाइप्स के होते हैं। और आर ग्रुप जो होता है ये प्रोटीनिशियस एमिनो एसिड होता है, समझना। आर का मतलब एक्चुअल में क्या है, वेरिएबल। आर यहां पर जो टर्म दिया गया है ना, ये वेरिएबल के लिए दिया गया है। केमिकल में यूज किया जाता है टर्म जिसे अपन वेरिएबल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एमिनो एसिड ग्लाइसिन होता है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप में एलेनिन होता है, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल में सेरीन एमिनो एसिड होता है। आई बात समझ में, जैसे कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है एमिनो एसिड्स का, समझो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एमिनो एसिड्स का क्या है, कि एसेंशियली एमिनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप और आर जो फंक्शनल ग्रुप है ये बेस्ड होता है नंबर ऑफ एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप पर। जैसे कि इसका एसिडिक एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक एग्जांपल है लाइसिन और न्यूट्रल एग्जांपल है वेलिनिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस जगह से अभी तक बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लस एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है बेटा रिंग। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, रिंग वाले एमिनो एसिड कौन है, तो टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड जो होता है वो आयोनाइजेबल नेचर का होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, NH2 ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, और सॉल्यूशन में डिफरेंट pH स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंज करता है। क्लियर है ना, इसी चीज को कहते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म। अब इसमें एक टर्म समझेंगे, क्योंकि अब यहां से प्रोटीन के बाद लिपिड से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जरा देखो कि यहां पर जो लिस्ट्स प्रेजेंट है, इस लिस्ट पे गौर से देखो आप, ठीक है। तो सोडियम फॉर्मूला Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg++, वाटर H2O, कंपाउंड में NaCl, CaCO3, PO4-3-, SO4-2-, एकदम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट ग्रुप्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सब जितने भी टर्म्स आपने देखा आज, ये सारे NCERT के एसेंशियल टर्म्स हैं। अब एसेंशियल टर्म्स में कैसे कैसे क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये जरा हम समझेंगे। ये किससे समझेंगे, तो जरा देखिए, इसको समझने के लिए ये मेरा सिंपल सा एक टर्म, और कह सकते हो कि सिंपल एक क्लास नोट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लास नोट्स प्रेजेंट, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहते किसे हैं, अगर एज अ बायोमोलिक्यूलर टर्म्स देखी जाए तब हमें यह पता चलता है कि जो लिविंग है, यानी जो सबसे पहला लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट हुआ उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इंक्रीज होता है और सॉल्यूट डिक्रीज होता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूट के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में बेटा दो ही चीज होता है, सॉल्वेंट जो हुआ वो लिक्विड पार्ट हुआ है ना, और सॉल्यूट जो हुआ वो क्या हो गया, सॉलिड पार्ट हो गया।
तो जो भी डिपेंड करता है वो किसके बेसिस पे, सॉल्यूट पार्टिकल के बेसिस पे। आई बात समझ में? पहला क्रिस्टलॉइड ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड सस्पेंशन, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये तीन चीज होती। क्रिस्टलॉइड का मतलब सॉलिड सब्सटेंस, क्रिस्टल के जैसा दिखने वाले, दे आर नोन एज द क्रिस्टलॉइड। कॉलॉइड का मतलब कि जो मर्ज कर सकते हैं और रह सकते हैं, मतलब जो चिपचिपा कर सकते हैं, दे आर कॉलॉइड। लेकिन सस्पेंशन का मतलब कि अब जो सॉल्यूशन बन रहा है, दे आर सस्पेंशन। कॉलॉइड क्रिस्टलॉइड का तकरीबन ये लेस देन होता है 0.001 माइक्रोन से ट्रू सॉल्यूशन। कॉलॉइड 0.01 माइक्रोन से लेकर के 0.1 माइक्रोन तक होता है, और सस्पेंशन हमेशा ग्रेटर होता है 0.1 माइक्रोन से। अब जरा देखो कि इसमें जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, समझिएगा, कॉलोइडल सॉल्यूशन मतलब कि जो गाढ़ापन वाला सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किस बेसिस पे है? तो ये सॉल्यूशन फैलाने यानी डिस्पर्सन के बेसिस पर है, ठीक है, और डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पर है। आई बात समझ में? फॉलोइंग टाइप है, जैसे सबसे पहला सॉल, जेल, इमल्सन, एरोसॉल, ये सब। जैसे देखा जाए मिल्क एंड ब्लड प्लाज्मा में एग्जाम्पल क्या है कि बोथ सॉल्यूशन एंड इमल्सन, मतलब जैसे कि मिल्क है दूध ले लो या फिर ब्लड का प्लाज्मा ले लो, दोनों का एग्जाम्पल है सॉल्यूशन और इमल्सन, मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड मिले हुए हैं, लिक्विड सॉलिड सब्सटेंस बहुत मिले, जिसमें देखो डिस्पर्सन और डिस्पर्स्ड, डिस्पर्सन का मतलब लिक्विड, डिस्पर्स का मतलब सॉलिड, ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अब क्या है कि मिल्क है, मिल्क में डिस्पर्सन 90% होता है, डिस्पर्स मिल्क प्रोटीन 10% होता है। मिल्क जो इमल्सन बनाते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं मिल्क का, उसमें 90% लिक्विड होता है और ऑयल ड्रॉपलेट्स लिक्विड का। जैसे अब सॉलिड सब्सटेंस में जैसे क्रीम हो गया, उसे मैं बात कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा थिक और स्लरी हो जाता है। ब्लड प्लाज्मा में 93% लिक्विड, ब्लड प्रोटीन सॉलिड होता है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में इमल्सन 93% और टॉक्सिन लिक्विड होता है। इसमें याद रखना डियर स्टूडेंट, जो एरोसॉल होते हैं, एरोसॉल आप कोरोना में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो, जो एटमॉस्फेयर में मुंह से निकला हुआ वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उसे एरोसॉल कहते हैं, वो कभी भी लिविंग सिस्टम में अकर नहीं करता है, और लिविंग सिस्टम में जो अकर करता है वो सॉल्यूशन सॉल जेल और इमल्सन फेज का प्रोटोप्लाज्म का होता है, जो कि फाउंड मोस्टली किस में होता है, सॉल जेल में, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो ये सब जितने भी हैं हमारे सॉल्यूशन के टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ज़्यादा क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स अब एक बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, ये जो अक्टूबर 15 की जो टेस्ट है, उस टेस्ट में आपका चैप्टर नंबर 7 होगा। चैप्टर नंबर 7 में मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉकरोच के होंगे एक नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस के आसपास, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के टिश्यूज के होंगे। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नीट के सिलेबस में अर्थवर्म और फ्रॉग डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है, मतलब चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें ना ही तो आपको बोर्ड मतलब नीट के लिए ये अर्थवॉर्म और फ्रॉग पढ़ना, इसको हम लोग कोरिलेट करके ह्यूमन फिजियो में पढ़ते हैं। इसलिए जब भी नीट का टेस्ट हो चैप्टर नंबर 7 का, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपका फ्रॉग और अर्थवॉर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं और भी हेल्दियर टर्म अबाउट द प्रोटोप्लाज्म। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड